मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, एक पैर रखता हूँ कि 100 राहें फूटती व मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं उनके तजुर्बे और अपने सपने सब सच्चे लगते हैं। अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है, मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ, जाने क्या मिल जाए। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में बिमल सदा नीरा है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है, पल भर मैं सब में से गुजरना चाहता हूँ, प्रत्येक उर में से तिर आना चाहता हूँ। इस तरह खुद ही को दिए दिए फिरता हूँ, अजीब है जिंदगी, बेवकूफ बनने की खातिर ही सब तरफ अपने को लिए लिए फिरता हूँ, और यह देख देख बड़ा मजा आता है। मैं ठगा जाता हूँ, हृदय में मेरे ही प्रसन्न चित्त एक मूर्ख बैठा है, हंस हंस कर अश्रुपूर्ण मत हुआ जाता है कि जगत स्वायत्त हुआ जाता है। कहानियां लेकर और मुझको कुछ देकर ये चौराहे फैलते, जहां जरा खड़े होकर बातें कुछ करता हूँ उपन्यास मिल जाते। दुख की कथाएं, तरह तरह की शिकायतें, अहंकार विश्लेषण, चारित्रिक आख्यान, जमाने के जानदार सूरे बा आयतें सुनने को मिलती हैं। कविताएं मुस्करा लाग डांट करती हैं, प्यार बात करती हैं, मरने और जीने की जलती हुई सीढ़ियां श्रद्धाएं चढ़ी हैं। घबराए प्रतीक और मुस्काते रूप चित्र लेकर मैं घर पर जब लौटता, उपमाएं द्वार पर आते ही कहती कि 100 बरस और तुम्हें जीना ही चाहिए। घर पर भी पग पग पर चौराहे मिलते हैं, बाहें फैलाए रोज मिलती हैं 100 राहें, शाखाएं पर शाखाएं निकलती रहती हैं, नव नवीन रूप दृश्य वाले 100-100 विषय रोज रोज मिलते हैं। और मैं सोच रहा कि जीवन में आज के लेखक की कठिनाई यह नहीं कि कमी है विषयों की, वरन यह कि आधिक्य उनका ही उसको सताता है और वह ठीक चुनाव कर नहीं पाता है।